आज की इस वीडियो में मैं आपको फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना सिखाऊंगा कि आप फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और ना ही आपको फेडरल बैंक के एटीएम मशीन पर जाना पड़ेगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से फेडरल बैंक के डेबिट एटीएम कार्ड का पिन आप घर बैठे जनरेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, इसकी लिमिट एंड चार्जेस बताया था और इसके साथ ही इसकी मोबाइल बैंकिंग कैसे आपको एक्टिवेट करना है घर बैठे, आपको ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड का पिन आप ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग है तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर आप IVR के थ्रू करना चाहते हैं तो IVR कॉल के भी थ्रू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा कि कैसे आपको IVR के थ्रू करना है या फिर अगर आपको मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करना है तो कैसे आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अपने डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं सर। तो बने रही इस वीडियो में तक, मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। हम आप सभी का स्वागत है, चलिए शुरू करते हैं। फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन जनरेट करने के लिए आपको फेडरल बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है, फेडरल बैंक फेड मोबाइल। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं कि फेडरल बैंक की मोबाइल बैंकिंग में कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसमें आप कैसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को डायरेक्ट जाके देख सकते हैं और फेडरल बैंक की मोबाइल बैंकिंग में एक्टिवेशन करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको एमपिन डाल के लॉगिन करना होता है, तो यहाँ पर आप एमपिन डालेंगे। जैसे आप एमपिन डालेंगे तो यहाँ पर आप फेडरल बैंक की मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने रहेगा। उसके ऊपर यहाँ पर आपको मनी ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, जैसे सेंड मनी, भीम UPI, स्कैन पे। नीचे आपका अकाउंट का डिटेल रहेगा, यहाँ पर आप अपना अकाउंट देख सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको सर्विसेज मिलेंगी, यहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिलती हैं जैसे इन्वेस्टमेंट, लोन, ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री। अब यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में 3 लाइन मिलेगा, जस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ मेनू ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कार्ड मैनेजमेंट का। यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड मैनेजमेंट, मैनेज योर डेबिट कार्ड, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से जो भी डेबिट कार्ड लिंक रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर अकाउंट के साथ डेबिट कार्ड लिंक नहीं है तब ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा नो डेबिट कार्ड लिंक। अगर डेबिट कार्ड लिंक रहेगा तब यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात बता दी कि यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड का नया पिन भी जनरेट कर सकते हैं और आप अपने डेबिट कार्ड का यानी ATM कार्ड का पिन चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है और ना ही आपको फेडरल बैंक के ATM मशीन पर जाना पड़ता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेट न्यू पिन, चेंज पिन का, जस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना न्यू पिन डालना होता है, उसके बाद री एंटर न्यू पिन करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे साइड आप देखेंगे तो सेलेक्ट कार्ड एक्सपायरी मंथ और सेलेक्ट कार्ड एक्सपायरी ईयर मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट डालनी होती है। आप अपना डेबिट कार्ड चेक करेंगे, यहाँ पर आपके डेबिट कार्ड पर वैलिड अप टू आएगा, यानी आपका एक्सपायरी डेट है 02/26 है हमारा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे, 02 यानी फरवरी होता है दूसरा महीना, और कार्ड का यहाँ पर ईयर चूज़ मिल जाएगा तो ईयर यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेंज पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ATM पिन फॉर द डेबिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड का नंबर रहेगा, विल बी चेंज, यू वांट द सबमिट चेंज, यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एम पिन डालना होता है, जो एम पिन आपने सेट किया है वो एम पिन यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे एम पिन डालेंगे तो यहाँ पर आपका जो न्यू पिन है सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। देख सकते हैं आपको एक नोटिफिकेशन भी मिला था कि आपका डेबिट कार्ड का पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। और जैसे ही आपका डेबिट कार्ड का पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा उसके बाद आप अपने डेबिट कार्ड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, लिमिट को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। जब आप तक आप अपने डेबिट कार्ड का पिन जनरेट नहीं करेंगे न्यू पिन, तब तक ये डेबिट कार्ड आपका एक्टिव नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपका डेबिट कार्ड अभी एक्टिव हो चुका है उसके बाद अगर आपको ट्रांजेक्शन का लिमिट वगैरह चेंज करना है तो मैनेज ट्रांजेक्शन लिमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका मैनेज ट्रांजेक्शन लिमिट आ जाएगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 50,000 लिमिट मिलेगा, आपका डोमेस्टिक का ATM कैश विड्रॉल, आपका इंटरनेशनल में भी कैश विड्रॉल 50,000 मिलेगा,
पीओएस परचेज में आपका 1 लाख मिलेगा, चाहे इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक। अगर इसको आपको कम ज़्यादा करना है तो आप ये जो लाइन मिल रही है इसको आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, तो यहाँ से ये लिमिट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने ट्रांजेक्शन की लिमिट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और ना ही आपको इसके लिए एटीएम मशीन पर जाना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। इसके साथ ही मैंने आपको दिखाया था कि इसमें कितना लिमिट वगैरह मिलता है, क्या फीस एंड चार्जेस रहते हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर जब मोबाइल बैंकिंग के थ्रू तो कर ही सकते हैं, फेडरल बैंक का वेलकम लेटर है, इस लेटर में ही आप देख सकते हैं कि बैक साइड में बताया गया है कि आप IVR के थ्रू कैसे आप पिन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करेंगे, आप अपने डेबिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट कन्फर्म करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर एक मैसेज सेंड किया जाएगा, उस मैसेज को आपको सॉफ्ट पिन रहेगा, उस सॉफ्ट पिन के बाद उसके जैसे भी आपके नंबर पर सॉफ्ट पिन आ जाएगा उसके बाद ये फॉलो स्टेप करना है आपको, रिडायल करना है इस नंबर पर, 2 प्रेस करना है, सॉफ्ट पिन आपको डालना है, उसके बाद आप अपना डेबिट कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट, उसके बाद अपना न्यू पिन जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप IVR कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से IVR के थ्रू भी डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। 2 मेथड है, पहला तो मोबाइल बैंकिंग और दूसरा IVR, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है और ना ही आपको इसके लिए ATM मशीन पर जाना पड़ता है, घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आप अपने डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं Nilesh094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।